महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। अत्यधिक बारिश के चलते कपास के साथ साथ आम और अन्य फलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इस समय जो कपास बाजार में बिक रहा है वह बारिश में खराब हो चुके हैं। जलगांव के खानदेश क्षेत्र में केवल कपास की फसल अच्छी स्थिति में थी, लेकिन यह फसल भी भारी बारिश की चपेट में आ गई। इससे पहले जून और जुलाई में हुई बारिश से उड़द और हरा चना समेत अन्य फसलें प्रभावित हुई। बारिश की वजह से फसलें खराब होने के बाद किसानों को दो बार बुआई करनी पड़ी थी। अगस्त के अंत तक प्री सीजन कपास की फसल की बिक्री शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अगस्त और अब सितंबर में हो रही लगातार बारिश ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जलगांव, धुले और नंदुरबार जिलों में पिछले कुछ दिनों से रोजाना बारिश हो रही है। इससे फसलों की स्थिति और भी खराब हो गई है। कुछ क्षेत्रों में उड़द और हरे चने की कटाई की जा रही है। सोयाबीन की फसल आ रही है, लेकिन बारिश शुरू होने के कारण कटाई, थ्रेशिंग आदि बंद है। किसान थक चुके हैं क्योंकि फसल हाथ से जा रही है। फसल की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है। खानदेश क्षेत्र में प्रमुख फसल कपास है। जलगांव जिले में करीब 518,000 हेक्टेयर, धुले में 220,000 हेक्टेयर और नंदुरबार में 114,000 हेक्टेयर में कपास की बुआई हो चुकी है। पूर्व मौसम कपास की फसल का रकबा लगभग 100,000 हेक्टेयर है। रुपाई का काम मई के अंत और जून के पहले सप्ताह में किया गया था। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन गुजरात में होता है, जहां पर काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन किया जाता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।